इतने इन लोग चिल्लाते हैं क्या कुछ दिनों पहले की बात है जब जया बच्चन ऋषभ शेट्टी के ताज होटल में धोती पहन के आने पर नाराज दिखी। दरअसल ऋषभ शेट्टी का कंतारा फिल्म के आफ्टर प्रमोशन को लेकर ताज होटल मुंबई में एक इवेंट था और उसी दिन ताज होटल में जया बच्चन भी एक इवेंट के लिए आई हुई थी। फिर क्या था, ऋषभ तो हमेशा की तरह बड़ी शान से लुंगी पहनकर ही वहां पहुंचे थे और ऋषभ के वहां पहुंचते ही ताज होटल में बस कंतारा और ऋषभ की ही बातें हो रही थी और उस इवेंट में जया बच्चन के बहुत से विदेशी गेस्ट भी आए हुए थे और ऋषभ के पहनावे को लेकर जया बच्चन भड़क गई। जया बच्चन ये कहती हुई नजर आई कि ठीक है, माना कि ये लुंगी पहनकर ही आते हैं, पर मुंबई के ताज होटल में तो कम से कम इन्हें लुंगी नहीं पहननी चाहिए थी। और वे ये भी कहती नजर आई कि मैं तो इसे जानती तक नहीं, आखिर ये कौन है और मैंने तो आज तक इसकी कोई भी फिल्म नहीं देखी है। लेकिन उस समय ताज होटल में जो भी मौजूद था और जो ऋषभ को जानता था वह तो ऋषभ और कंतारा की ही बातें कर रहे थे। ऋषभ को मुंबई में आए हुए अब काफी समय हो गया है और पिछले एक महीने के अंदर ऋषभ ने ना जाने सैकड़ों के हिसाब से इवेंट को अटेंड किया है। आजकल हर सिनेमा प्रेमी के जुबान पर ऋषभ की ही बात होती है और ऋषभ ने जितने भी इवेंट्स को अटेंड किया, ऋषभ हर जगह लुंगी पहनकर ही नजर आए। ऋषभ ने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल कर लिया है, उसके बावजूद ऋषभ अपने कल्चर और रूट से काफी मजबूती से जुड़े हुए नजर आते हैं। ऋषभ हर जगह अपनी लुंगी के अटायर में ही नजर आते हैं और ये पहनावा ऋषभ को काफी सूट भी करता है। और रही बात जया बच्चन की, तो इतिहास गवाह है कि जया बच्चन अपने फैंस और मीडिया पर टूट पड़ती है। जया बच्चन ने ना जाने कितनी ही बार अपने फैंस को ही बुरी तरह लताड़ा होगा और हमेशा की तरह ऋषभ ने अपनी सादगी का प्रमाण देते हुए मुस्कुराकर वहां से चल दिए। जया बच्चन के ऐसे व्यवहार को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।